Please appoint me. Good to coffee late. Tasty and affordable round the clock. Ho pyar ka izhar karna. Ya phir ho pet bharna. Maut masti ka mood ho. Ho doston ko khush karna. Zindagi ko jee le. पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला अपने पूरे परवान पर पहुंच चुका है। एक और जहां तीर्थराज पुष्कर में धार्मिक आयोजनों के दौर जारी हैं, वहीं दूसरी ओर मेला मैदान में आयोजित प्रतियोगिताएं भी सैलानियों और श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रही हैं। इन प्रतियोगिताओं को देखने आए देश के कोने कोने से विभिन्न जाति धर्म के लोगों से तीर्थराज पुष्कर में पूर्व और पश्चिम की संस्कृति का मिलन देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी पुष्कर मेला मैदान में आयोजित मटका रेस और म्यूजिकल चेयर रेस प्रतियोगिता में देशी विदेशी प्रतिभागियों ने अपना दमखम दिखाकर सभी मेलार्थियों का दिल जीत लिया। राजस्थानी महिलाओं और विदेशी बालाओं के बीच मटका रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पानी से भरा मटका लेकर भागती विदेशी बालाओं और राजस्थानी महिलाओं को देख हर कोई अभिभूत था। मटका रेस प्रतियोगिता में कुल 21 प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिनमें 4 विदेशी बालाओं ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता में अजमेर की रेखा हिनोनिया प्रथम स्थान, दूदू निवासी सीता देवी दूसरा और तीसरे स्थान पर पुष्कर की तेजस्विनी गौतम ने बाजी मारी। मटका रेस में भाग लेने वाली हर विदेशी महिला ने खुशी जाहिर की और इसे कभी न भूलने वाला पल बताया। अनिल सर रुक जाओ, फोटो खिंचा पड़ेगी। ये तो बस यहाँ ना हो ओके। Really fun, but it broke on my head when I was running, so that was not especially fun. So I didn't win, but it was nice to participate. मैं भाग के बहुत खुश होती हूँ, हर साल मैं मेले में भाग लेती हूँ, क्योंकि मटका दौड़ में बहुत अच्छा लगता है भागना। पहला स्थान आए, आप क्या कहेंगे? मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरे देश के ऊपर की मटका दौड़ में मेरे को फर्स्ट आके बहुत। पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया, मटका दौड़ प्रतियोगिता। ये लोग जाते हैं यहाँ पर मटका लेते, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ लेने के लिए। मैं दौड़ी तो बहुत अच्छा हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी फर्स्ट आने के लिए। पुष्कर मेले में घूमने आए हुए थे और यहाँ पे आज मटका रेस का आयोजन हुआ था, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट करा और सब फॉरेनर्स के साथ में, मुझे बड़ा मजा आया। इसी प्रकार पर्यटन विभाग की ओर से मेला मैदान पर ही देशी और विदेशी महिलाओं के बीच म्यूजिकल चेयर रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में देशी विदेशी महिलाओं ने देशी गानों की धुनों और म्यूजिक के साथ चेयर पर बैठने के लिए दौड़ लगाई। इस प्रतियोगिता में दिल्ली की ऋचा खेमानी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि इंग्लैंड की क्लारे दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में 7 विदेशी और 28 देशी युवतियों और महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विदेशी महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। प्रतियोगिता को देखने के लिए मैदान पर देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। मेला मैदान विदेशी पर्यटकों से भरा नजर आया। विजेताओं को पर्यटक विभाग की ओर से पुरस्कार दिए गए। म्यूजिकल चेयर रेस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया, पुष्कर मेले में पहली बार ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बहुत खुशी महसूस की है। स्वामी न्यूज के लिए पुष्कर से रमेश कुमावत की रिपोर्ट। Hello, I'm from Delhi. My name is Richa. I came here to see Pushkar Fair. This is my second year and I enjoy a lot. I like the activities which happen here.
They are so fun to watch, and today I participated in one in musical chair and I won the first prize in musical chair. I invite everyone to attend Pushkar Fair. So much fun here, and there are so many concerts also in the night. You should attend the concert too. Thank you for the judges to giving me the prize, and that's all. क्या नेक्स्ट टाइम इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे आप? Sure, why not? मैं मटका रेस में भी पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, but just because I'm not experienced मटका रेस में, so that's why I did not participate in a मटका रेस. But I wanted to participate in musical chair, so that's why I wrote my name in musical chair and I won the first prize. मैं यही बोलूंगी कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आनी और आई मीन ये तो मतलब नज़ारा देखते बनता है, मतलब ये बयान नहीं कर सकती. और मैंने अपने सारे फैंस के लिए लाइव भी किया था अभी, बिकॉज मुझे लगा कि उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बॉम्बे में रह के हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि यू नो क्या कुछ हो रहा है. एंड आई थिंक राजस्थान इज अ यू नो प्लेस ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, एंड जो अभी तक लोगों में है और लोगों में बरकरार है, और जो मोहब्बत है यहाँ लोगों में अपने कल्चर को लेके, और पधारो हमारे देश, जैसे वो लोग आपका यू नो वेलकम करते हैं, ये देखते ही बनता है. लाइक रियली आज पुष्कर मेला 2018 में सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत ग्रामीणों, विदेशियों और सबके लिए सबसे पहले मटका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विदेशी व स्थानीय मेहमानों ने पार्ट किया. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आए गए सभी को पारितोषिक वितरण किया गया और सर्टिफिकेट वितरण किए गए. इसके बाद में संगीत में कुश्ती दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विदेशी मेहमान व देशी नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. यह इस खेल का बहुत ही लुत्फ उठाया. इसमें भी प्रथम एवं द्वितीय स्थान को सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो देके पारितोषिक वितरण किया गया. जो प्रथम स्थान प्राप्त किया वो दिल्ली की मिस्टर ऋचा खेवानी थी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा लुत्फ उठाया. वह विदेशी मेहमान जो हमारे द्वितीय स्थान पर आई है, उन्होंने भी कुश्ती दौड़ प्रतियोगिता का बहुत ही आनंद उठाया. वह हमेशा पुष्कर मेला 2018 में अगले मेलों में आने का प्रॉमिस. स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें. यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें.